जियो भारत फीचर फोन सीरीज में लॉन्च होने वाले दो फीचर फोन जियो भारत V2 4G और जियो भारत B1 4G, ये दोनों फीचर फोन किस किस एंगल में कितना अलग है, फीचर स्पेसिफिकेशंस में क्या अलग दिया गया है, इस वीडियो का मेन मुद्दा वही होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अंत तक देखें। तो यहाँ दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप जियो भारत V2 4G को और जियो भारत B1 4G को देख सकते हैं। अब ये दोनों फीचर फोन किसी भी एंगल में सिमिलर लुकिंग नहीं है, ये आपको भली भांति पता चल रहा होगा। तो यहां अगर और भी डिटेल के ऊपर जाते हैं तो दोस्तों आप फ्रंट प्रोफाइल दोनों फीचर फोन का ही देख सकते हैं। यहां आपको जियो भारत V2 4G में फ्लैट कीपैड टाइप दिया गया है। कंपैरेटिवली दोस्तों आपको रबर इस कीपैड जियो भारत B1 4G में देखने को मिलेगा। नेविगेशन एरिया में भी दोस्तों डिजाइन में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। अब दोनों जियो भारत फीचर फोन का रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ह्यूज डिफरेंस यहां दिया गया है। जियो भारत B1 4G में एक अलग ही मॉड्यूल के अंदर कैमरा सेटअप दिया गया है। साइड में आपको स्पीकर भी देखने को मिल रहा होगा। अब आपके स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों जियो भारत V2 4G, इसका कैमरा मॉड्यूल भी दोस्तों अलग ही तरह का डिजाइन के साथ आ रहा है। यहां भी दोस्तों आपको स्पीकर का सपोर्ट दिया गया है। दोनों का डिफरेंस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो लुक और ओवरव्यू के मामले में दोनों फीचर फोन कितना अलग है अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा। अब अगर हार्डवेयर डिटेल्स के ऊपर बात करें तो दोस्तों पहले ही आता है डिस्प्ले की बारी। तो दोस्तों यहां आप डिस्प्ले टाइप देख सकते हैं, दोनों फीचर फोन में एक ही तरह का डिस्प्ले टाइप आपको दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहां जो साइज है इसके ऊपर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोनों फीचर फोन में जो कनेक्टिविटी डिटेल्स है दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां आपको दोनों फीचर फोन में ही 3G 4G का एक्सेस दिया गया है। मतलब दोस्तों आप 4G 3G सिम को यूज कर पाएंगे। ब्लूटूथ का सपोर्ट यहां आपको दिया गया है। 3.5mm ऑडियो जैक, GPRS और USB पोर्ट जैसे फीचर्स है दोस्तों, ये दोनों फीचर फोन ही लेस है। अब यहां दोस्तों दोनों फीचर फोन में रैम और रोम को लेकर अलग से कुछ बताने को है नहीं, दोनों फीचर फोन में ही आपको सिमिलर स्पेक्स दिया गया है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब यहां दोस्तों जियो भारत V2 4G और जियो भारत B1 4G के कैमरा को कंपेयर करें तो दोस्तों आप सेंसर टाइप देख सकते हैं, दोनों फीचर फोन या कीपैड मोबाइल में एक ही तरह का सेंसर आपको दिया गया है। हालांकि दोनों फीचर फोन में जो कैमरा मॉड्यूल है दोस्तों वो आपको डिफरेंट देखने को यहां मिल रहा होगा। अब वो पॉइंट जो हर 4G फीचर फोन यूजर फिलहाल 2023 में इंडिया में जानना चाह रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फीचर फोन में किस तरह का दिया गया है, तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं ThreadX ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दोनों फीचर फोन में दिया गया है। ये KaiOS की तरह ही है, लेकिन दोस्तों यहां आपको YouTube WhatsApp जैसे आपका सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन JioSaavn, JioCinema, JioTV या Jio की तरफ से जो Jio पे ऐप आते हैं दोस्तों उसका सपोर्टेबिलिटी भी इसमें मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां आपको ब्राउजर का एक्सेस भी दिया गया है, और इसका मतलब यही है दोस्तों ब्राउजर के अंदर आप यूट्यूब ऐप को एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत ही नेगेटिव है, यूट्यूब ऐप इसमें चलता ही नहीं। अब आखिर में दोस्तों अगर कंपेयर करें दोनों जियो भारत सीरीज 4G फीचर फोन के प्राइस डिटेल्स और बैटरी डिटेल्स को लेके तो दोस्तों यहां बाजी मार जाता है जियो भारत V1 4G, क्योंकि यहां आपको एक मैसिव बैटरी का सपोर्ट दिया गया है जो कि साइज में 2000 mAh का होने वाले है। तो अब दोस्तों कंपेयरिंग पॉइंट लगभग सब खत्म हो चुके हैं, तो जिस्ट क्या निकला, दोनों फीचर फोन में से कौन सा बेहतर है और आपको क्या क्या पता चला। अगर मैं समराइज करूं तो दोस्तों यहां दोनों फीचर फोन में से जो न्यूली लॉन्च 4G फीचर फोन है जियो भारत B1 4G, इसमें आपको तीन एरिया में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली डिजाइन में, डिस्प्ले के ऊपर और बैटरी के ऊपर। और दोस्तों बाद बाकी जो फीचर स्पेसिफिकेशंस और हार्डवेयर डिटेल्स है लगभग एक ही तरह का है दोनों फीचर फोन में। तो यही थे दोस्तों कंपेयर वीडियो ऑफ जियो भारत सीरीज फीचर फोन जियो भारत B1 4G और जियो भारत V2 4G। तो दोस्तों बताए गए सभी कंपेयरिंग पॉइंट आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर है तो किसी सोशल प्लेटफॉर्म में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, किसी और का भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए बहुत होगा बकबक, वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी तरह का इन्फॉर्मेशन लेके।